अगर आप एक डॉग लवर हैं और अपने घर के लिए एक वफादार साथी लेना चाहते हैं और किसी दो नस्लों के बीच कंफ्यूज हैं, तो हमारे चैनल पर वर्सेस सीरीज देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर देगी। आज इस वीडियो में हम ऐसे दो एपिक डॉग के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहते हैं और लोगों में हमेशा चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पिटबुल वर्सेस रॉटवाइलर की। वैसे ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनाई गई है, रियल टाइम इवेंट्स कुछ और हो सकते हैं। आपकी जो भी निजी राय या अनुभव हो वो आप हमें कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिटबुल वर्सेस रॉटवाइलर। रॉटवाइलर लविंग, लॉयल, कॉन्फिडेंट और गार्डियन होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। रॉटवाइलर एकेसी के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड भी है। वहीं पिटबुल एक एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होने के साथ मीडियम साइज डॉग ब्रीड है। वैसे पिटबुल टेरियर को अमेरिकन कैनल क्लब में जगह नहीं मिली है, मगर अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर जो पिटबुल टेरियर की ही प्रजाति का डॉग है उसके बेसिस पर इस नस्ल को 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड कहा गया है। ये तो हुआ इन दोनों के बीच बेसिक इंट्रोडक्शन, अब कुछ मेजर फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल को लोगों तक आसानी से पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को आसानी से जान पाते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में पिटबुल स्टैफर्डशायर टेरियर 81 नंबर पर आता है, वहीं रॉटवाइलर 8th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है वर्ल्ड में। पॉपुलैरिटी के मामले में रॉटवाइलर बहुत आगे निकल जाता है। टोटल अटैक्स। पिटबुल अपने टेम्परामेंट को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। पिटबुल टेरियर बहुत एग्रेसिव होते हैं और इसे दुनिया का मोस्ट एग्रेसिव डॉग ब्रीड भी कहा जाता है। वैसे 2005 से 2007 के बीच पिटबुल ने 284 लोगों पर अटैक करा था, इसी कारण ये नस्ल काफी कंट्रीज में बैन भी है। वैसे हमने पिटबुल पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वहीं रॉटवाइलर अपने एग्रेसिव टेम्परामेंट को लेकर भी जाने जाते हैं। 2005 से 2007 तक रॉटवाइलर ने 45 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 2 पर आते हैं। आपको कौन ज्यादा एग्रेसिव लगता है, पिटबुल या रॉटवाइलर? बाइट फोर्स। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। पिटबुल एक मीडियम साइज ब्रीड होने के साथ 235 PSI बाइट फोर्स जनरेट कर सकता है और कुछ लोगों का कहना है पिटबुल जब किसी को पकड़ता है तो वो अपने जबड़े लॉक कर देता है, जो कि पूरी तरह से एक मिथ है। मगर पिटबुल जब किसी को पकड़ता है तो उसे ताकत से छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई भी दोराय की बात नहीं है। वहीं रॉटवाइलर एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 328 PSI जनरेट कर सकता है और ये बात इस नस्ल को टॉप 10 लिस्ट में जगह देती है। हमने सारी पॉपुलर डॉग ब्रीड्स को कवर करके वीडियो बनाई है बाइट फोर्स के ऊपर, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। साइज एंड वेट। रॉटवाइलर की हाइट 24-27 inches तक होती है और इसका वजन 40-60 kg तक हो सकता है और ये लार्ज साइज कैटेगरी में आता है। वहीं पिटबुल की हाइट 18-19 inches होती है और इसका वजन 25-30 kg तक हो सकता है, इसी कारण ये मीडियम साइज कैटेगरी में आती है, मगर बहुत मस्कुलर होते हैं। वैसे इन दोनों ब्रीड्स को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि दोनों की एनर्जी को ठीक तरह से चैनलाइज किया जा सके। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। पिटबुल को स्ट्रेंजर्स के साथ हाईली अलर्ट देखा जा सकता है और बच्चों के साथ एक्सपर्ट का कहना है कि इसे कम ही रखा जाए तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि पिटबुल की एनर्जी को अगर ठीक तरह से चैनलाइज नहीं किया गया तो वो बहुत घातक हो सकता है किसी के लिए भी। वहीं रॉटवाइलर भी अलर्ट होते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ और बच्चों के साथ भी इन्हें रखने की कम ही सलाह दी जाती है, क्योंकि ये भी एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड में आता है। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। एक डॉग हमेशा अपनी समझ से अलग पहचान बनाता है ताकि जिस काम के लिए उसे पहचान मिली है वो उसे पूरा कर सके। 2022 की रैंकिंग में रॉटवाइलर 9th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड था और AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 9 से लेकर 10 साल होता है। वहीं पिटबुल टेरियर को AKC की लिस्ट में नहीं लिया गया है और शायद इसी कारण से इसे इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में भी नहीं गिना जाता है और इसका लाइफ स्पैन 12 से लेकर 16 साल होता है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसे AKC की लिस्ट में क्यों नहीं लिया जाता है? अब एक बार आप इन दोनों की बार्किंग भी सुन लें। वैसे हम आपको फिर से याद दिला दें, ये वीडियो हमने इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनाई है, रियल टाइम इवेंट्स कुछ और हो सकते हैं तो उस बात को आप जरूर से ध्यान रखिएगा।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।